यस गुड आफ्टरनून इलेवंथ क्लास हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम साइंस स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री। हम रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने ये जो मॉड्यूल्स आप देख रहे हैं ये पहले चैप्टर के ही पार्ट्स हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट जो था उसके बारे में पढ़ा था, उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा था। और आई होप आप सब बुक्स से स्टडी कर रहे हैं, मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ सब चीजें आपको बुक्स में मिलेंगी, तो काइंडली स्टडी द बुक, काइंडली स्टडी द थ्योरी फ्रॉम द बुक, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें अब नेक्स्ट मॉड्यूल है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक मास ये आपके पीरियोडिक टेबल जो आवर्त तालिका 10th क्लास में आपने पढ़ी थी, जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका क्रम दिया हुआ है, सारे तत्वों का क्रम दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, इस तरह से जो उनका क्रम दिया हुआ है वो कैसे तय होता है और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या होती है, कौन से वैज्ञानिकों ने, कौन से साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था, और उसकी डेफिनेशन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, इसको हम प्ले कर देते हैं। इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न अबाउट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑन डिस्कवरिंग दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, Scientists' attention was shifted towards identifying the mass of atoms. Since atoms were small particles and could not be separated, scientists were not able to determine the actual mass of an atom. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ये मास है ये नॉर्मली इसका जो वेट करते हैं ना, वो वेट करने से हम इसका मास किसी भी एटम का नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ एटम Can not be determined by weighing it. ठीक है? By weighing it. It was possible to calculate the mass of an atom by weighing an element and then dividing the weight by the number of atoms. ये भी हमने पढ़ा था कि किसी भी एटम का जो मास है, यानी किसी भी परमाणु का द्रव्यमान है, वो निकालने के लिए हमें उसका एलिमेंट का वेट करना पड़ेगा, यानी कि वजन लेना पड़ेगा, और उस वजन में जितने एटम्स उसके अंदर है, यानी कि जितने परमाणु उसके अंदर है उससे भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना। There was no method to count the number of atoms available in an element. In an attempt to find a solution to the problem in the 19th century, Dalton made some assumptions based on Gay-Lussac's findings. Based on Gay-Lussac's findings, Dalton assigned hydrogen a weight of 1. डाल्टन ने गे लुसाक का जो निष्कर्ष था या जो परिणाम था उससे प्रेरणा लेकर के हाइड्रोजन एटम को वेट दिया था 1 का। ठीक है, सिंगल यानी कि नंबर 1। He used hydrogen as a standard for determining the atomic masses of other elements and published the first table of atomic masses. ठीक है, इसने सबसे पहली टेबल दी थी एटॉमिक मास की, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एजोट का 5, कार्बन 5, ऑक्सीजन 7, इस तरह से उसने एक टेबल बनाई थी। द एटॉमिक मासेस इन द टेबल इंडिकेट रिलेटिव मास एंड नॉट द एक्चुअल मास ऑफ द एटम। नोट दैट द एटॉमिक मासेस इन द टेबल इंडिकेट रिलेटिव मास एंड नॉट द एक्चुअल मास ऑफ द एटम्स, व्हिच मींस दैट द मासेस ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटिव टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। Met at the International Union of Pure and Applied Chemistry and decided to use carbon as the standard base. ठीक है, पहले इसने डाल्टन ने हाइड्रोजन को बेस माना था, बाद में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कार्बन को बेस मान के ये गणनाएं की। कार्बन has three isotopes, C12. ये तीन आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स मैंने आपको बताया था जिनका नंबर सेम है लेकिन उनका जो मास है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। C13 and C14. ये तीन different isotopes हैं कार्बन के। Since C12 was found to be the most abundant, it was taken as a standard scale. ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। By that time, due to the advancement of technology,
scientists started using a mass spectrometer to calculate the accurate atomic mass of element. मास स्पेक्ट्रो नाम की मशीन को बाद में इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि हम एक्चुअल मास किसी भी एटम का निकाल सकें. The atomic mass of carbon was determined using a spectrometer and was found to be 12 atomic mass units. ठीक है, और जो कार्बन का मास आया वो 12 एटॉमिक मास यूनिट AMU, ये यूनिट होती है एटॉमिक मास की, तो इसका एटॉमिक मास जो आया वो 12 AMU आया. AMU. All other atoms were assigned a mass relative to the atomic mass unit of carbon. Thus, the atomic mass of an element is the number of times an atom of that element is heavier than an atom of carbon taken as 12. देखिए, इसका सीधा सा तात्पर्य ये है, इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि कार्बन को स्टैंडर्ड मान लिया गया, यानी कि कार्बन से कंपेयर करके बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाला जाने लगा. तो जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, वो एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हेवियर देन एटम ऑफ कार्बन, वो कार्बन के एटम से कितना भारी है उतना ही उसका एएमयू एटॉमिक मास यूनिट होगा. ठीक है, कार्बन को स्टैंडर्ड मान लिया और फिर कार्बन के आधार पे बाकी एलिमेंट्स उससे कितने भारी हैं या कितने हल्के हैं उसके आधार पे उसका निकाला गया. As carbon 12 is an isotope of carbon, it is represented as 12C. Therefore, one atomic mass unit is defined as a mass equal to 1/12 the mass of carbon 12 isotope. ठीक है, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट को, सिंगल यूनिट को डिवाइड किया गया है या बताया गया है, परिभाषित किया गया है 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप के, यानी कि अगर आप कार्बन के आइसोटॉप में 12 का डिवाइड कर देंगे तो आपको उस एटम का एटॉमिक मास यूनिट पता चल जाएगी. जैसे 1 AMU इक्वल्स टू 1.66056 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम इसकी वैल्यू होती है. एंड द वैल्यू ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट वाज डिटरमाइंड टू बी 1.66056 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -24 ग्राम. Let's determine the atomic mass unit of nitrogen based on this formula. ठीक है, अब उस पे हाइड्रोजन का हम निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का निकालने के लिए 1 AMU हो गया 1.66056 into 10 to the power -24 ग्राम, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कार्बन का, कार्बन्स एटॉमिक मास यूनिट. अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन एटम का हम इससे द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तो 1.6736 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -24 ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU 1.6736 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -24 ग्राम अपॉन ये कार्बन की वैल्यू से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 1.0078 AMU एंड 1.008 अप्रोक्सीमेटली AMU में, तो ये आपको राउंडेड ऑफ करके 1 में कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 1.008 AMU. We know that one atomic mass unit is equal to 1.66056 multiplied by 10 raised to -24 gram. The mass of a hydrogen atom was determined using a spectrometer. ये आप पूछेंगे सर ये वैल्यू कहां से आई, तो ये वैल्यू मास स्पेक्ट्रोमीटर से वैल्यूएट करके ये जांच करके निकाली हुई स्टैंडर्ड वैल्यू है. और इसमें हमें चूंकि फॉर्मूला में क्या बताया है कि आपको कार्बन की जो एएमयू में वैल्यू है उससे डिवाइड करना 1.6736 multiplied by 10 raised to -24 gram. Therefore, in terms of atomic mass unit, the mass of an atom of hydrogen atom is said to be 1.008 AMU. When chemists expressed atomic mass on carbon 12 scale, they named it as unified scale, and the unit was represented as U instead of AMU. बाद में इसको यूनिफाइड स्केल से नापा गया जिसकी यूनिट होती थी यू, और ये कार्बन 12 का आइसोटॉप है 6C12, ये स्टैंडर्ड था और इसी से हेवियर फाइंड आउट करके आपको अदर एलिमेंट्स का मास निकालना था. दो AMU इज स्टिल यूज्ड इन मोस्ट प्लेसेस, केमिस्ट्स नाउ यूज यू एज द यूनिट. हेंस वी कैन रिप्रेजेंट एटॉमिक मास
mass of hydrogen as 1.008 or 1 U and that of oxygen as 15.9994 or 16. ये approximation है, hydrogen की value आई थी 1.008 U जो हमने solve भी किया था, तो उसको round off करके 1 U कर दिया. इसी तरह से oxygen की value आती है 15.9994, उसको approximation से 16 U कर दिया. आप U लिखें या AMU लिखें, दोनों ही correct. We know that when atoms of the same elements possess different atomic masses, they are known as isotopes. ये आपको बताया भी था कि ये जो 17 क्लोरीन 37 है और 17 क्लोरीन 35 है, ये दोनों आपस में क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं, ठीक है? Hence, for isotopes, the average value of the atomic masses is considered as the atomic mass unit. अगर आइसोटॉप्स की बात करें तो उनका जो एवरेज वैल्यू आएगा एटॉमिक मास का, उसे ही इसका कंसीडर किया जाएगा. क्लोरीन has two isotopes with average atomic masses of 34.97 and 36.97 units respectively. The relative abundance of the isotopes is 0.755 and 0.245 respectively. Relative abundance refers to the abundance isotopes of an element, as naturally found on a planet. Average atomic mass of an isotope is the sum of abundance of each isotope multiplied by the precise atomic mass. Average atomic mass निकालने के लिए हमें sum of abundance of each isotope multiplied by precise atomic mass, यानी कि जो abundance आ रही है isotopes की, उस value को precise atomic mass की value से हमें multiply करना होगा. तो आप यहाँ देख लीजिए 34.97 multiplied 0.755 plus 36.97 multiplied 0.245, आंसर आ गया आपका 35.46 U में. Thus, the average atomic mass of chlorine is calculated as 35.46 U. Hence, the average atomic mass was redefined as the atomic mass of an element is the atomic mass of an element is the average relative mass of its atoms as compared with an atom of carbon 12 taken as 12 U. ये आपको समझा दिया है कि एटॉमिक मास होगा जो किसी भी एलिमेंट का, वो एवरेज रिलेटिव मास होगा ऑफ इट्स एटम्स, उसके एटम्स का, जो कि आप कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाल रहे हैं, ठीक है? एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 U. वी कैन आल्सो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास यूजिंग फ्रैक्शनल अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट. Fractional abundance of an isotope is the fraction of total number of atoms that is comprised of that particular isotope. Fractional abundance जो होगी किसी भी isotope की, जो fraction होगा total number of atoms का, उसे हम particular isotope से compromise करके हम निकाल सकते हैं. The formula for calculating the average atomic mass from fractional abundance is fractional abundance multiplied by atomic mass of that fraction. ये अभी हमने solve किया था carbon वाले केस में. Average atomic mass equals to fractional abundance multiplied by atomic mass of that fraction. ये करना है. Thus, the average atomic mass will be the sum of the products of fractional abundance of the isotopes and their corresponding mass numbers. For example, अब नियोन की बात की जा रही है, 20 नियोन, 21 नियोन और 22 नियोन. 0.9051 ये फ्रैक्शनल अबंडेंस है, 0.027, 0.0922 ये इनकी वैल्यूज दी हुई है. सिस्ट ऑफ थ्री आइसोटोप्स नियोन 20, नियोन 21 एंड नियोन 22 व्हिच हैव मास नंबर्स एंड फ्रैक्शनल अबंडेंसेस एज शोन इन द टेबल. The average atomic mass of neon will be calculated 20. वही पहले वाला फॉर्मूला, 20 neon में आप 0.9051 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर 0.17. 21 मल्टीप्लाई 0.0027 और 22 मल्टीप्लाई 0.0922, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20.179 U, ठीक है?
ठीक है, ये आपका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन हो जाएगा, यानी कि नियॉन के अगर अलग अलग आइसोटॉप्स हैं तो उनको आप कैसे सॉल्व करोगे? With the atomic mass of an hence their mass cannot be determined by weighing them. Therefore, the molecular mass is determined relative to the mass of carbon atom taken as 12 U. The molecular mass of substance, element, or compound is the number of times the molecule of the substance is heavier than 1/12 the mass of an atom of carbon 12. In other नेक्स्ट चीज है इसमें मॉलिकुलर मास. मॉलिकुलर मास की अगर बात करें, द मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड इज द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. इसमें कार्बन 12 से कंपैरिजन किया जाता है, कार्बन 12 से ये कितना हेवियर है. उसके बाद द मॉलिक्यूल मास ऑफ सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स. अगर आइसोटॉप्स हैं उसके तो फिर आइसोटॉप्स से कंपैरिजन किया जाता है. We can say that the molecular mass of a substance is the average relative mass of its molecules as compared with the mass of an atom of carbon 12 isotope taken as 12 U. The molecular mass of any element or compound can be calculated by adding the atomic mass of all the atoms. इसका एक तरीका और है, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास अगर आपको ज्ञात करना है तो वो ज्ञात करने के लिए आप उसे उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सारे एटम्स का एटॉमिक मास आप ऐड कर दीजिए तो आपको उसका मॉलिक्यूलर मास भी प्राप्त हो जाएगा. Present in one molecule of that element or compound. For example, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन का. तो 2 पार्ट्स तो आपने ऑक्सीजन के मल्टीप्लाई कर दिए और 1 पार्ट आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 2 मल्टीप्लाई 1.008, ये 1.008 कहां से आया ये आपने पढ़ा हुआ है अभी पहले, प्लस 16.0 दोनों को ऐड किया तो 18.02, ये इस कंपाउंड का आपका मॉलिक्यूलर मास प्राप्त हो गया. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विल बी द एटॉमिक मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस द एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज 18.02 U. When the molecular mass is expressed in gram, अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखा जाए या ग्राम में व्यक्त किया जाए तो इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कहा जाता है किसी भी सब्सटेंस का. It is known as gram molecular mass. Gram molecular mass is also called 1 gram molecule of the substance. For example, 1 gram molecule of water is 18 grams. इसको अभी हमने सॉल्व किया था. 1 gram molecule of H2O को 18 grams भी हम बोल सकते हैं. 1 gram molecule of H2O कितना आंसर आ जाएगा? 18 grams. Lastly, let us look at ionic compounds. Ionic compounds, sodium chloride or potassium nitrate. ठीक है, sodium chloride का NaCl और potassium nitrate का KNO3. ठीक है, ionic compounds do not contain discrete molecules as their constituent unit. ठीक है, ionic compounds जो होते हैं उनमें discrete molecules नहीं होते हैं. Such as sodium chloride or potassium nitrate do not contain discrete molecules as their constituent unit. The ions in such compounds are closely packed in three-dimensional structure. For example, in the sodium chloride crystal, an ionic bond is formed between a sodium ion and a chloride ion. However, in सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है. इस क्रिस्टलाइन फॉर्म, ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस. सो वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास
instead of the molecular mass. Formula mass is the sum of atomic masses of atoms present in one formula unit. Formula mass क्या होता है कि sum है सारे atomic masses का जो किसी भी atom में present है एक formula unit में. Mass is the sum of atomic masses of atoms present in one formula unit. Thus, the formula mass of sodium chloride is the atomic mass. Atomic mass of Na and atomic mass of Cl, यानी कि atomic mass of sodium and atomic mass of chlorine को आप add कर देंगे तो आपके पास formula mass आ जाएगा किसका NaCl का, ठीक है? Sodium chloride NaCl. Sub sodium plus the atomic mass of chlorine, which is 58. ठीक है, अब ये chapter recap में हम देख लेते हैं एक बार. Atomic mass के बारे में हमने पढ़ा. एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में हमने पढ़ा, फ्रैक्शनल एबंडेंस के बारे में पढ़ा, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, और व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो उसे हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं या ग्राम एटॉमिक. ये आज का चैप्टर समाप्त हुआ. आप ये नोट्स कॉपी में नोट कर सकते हैं, अपनी बुक से नोट्स बना सकते हैं, इसके जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर से वो आप पढ़ सकते हैं. किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. ठीक है, अनग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ. ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.